फीस चुकाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट भी फ्री है और खाना भी है। Our school is also equipped with laboratories. Government Girls Higher Secondary School, जैसा कि आप सब जानते होंगे कितनी हाई। I welcome you all with the virtual Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is truly an honor to have you with us today. Your presence adds a significant touch of distinction to this occasion. Today I am here to say something about the Viskit Bharat Sankalp Yatra. Viskit Bharat Sankalp Yatra is the largest ever outreach initiative of the Government of India. In this grand start, the first day of Viskit Bharat Sankalp Yatra reached more than 1 lakh people across the year. 259 gram panchayats in the country. The campaign was flagged off by Prime Minister Shri Narendra Modi on November 15, 2023 in Jharkhand. The aim of Yatra is to generate awareness regarding the central government welfare schemes and policies and achieve 100% saturation of flagship government schemes. Over 1200 My Bharat volunteers were registered along with more than 80,000 people who took the Viskit Bharat pledge. Ensure that if you are eligible for any schemes, my officer will ensure that you have been provided that benefit or that scheme. Agar aapki domicile ka issue hai, aapki RBA ka, aapki EWS ka issue hai, principal sahab, please talk to me. Please tell me why your certificate has not been issued. Aapka saaf pani, potable pani aapka haq hai. Koi kisi ka ehsaan nahi hai. आपको जो स्कीम का बेनिफिट दे रही है सरकार दे रही है, कोई एसडीएम नहीं दे रहा है, कोई हमारा कोई साहब नहीं दे रहा है, ये आपका हक है, इट इज योर राइट, जो आपकी सेंटर से हमारी इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम्स मिलती है, दैट इज योर राइट, वो आपका राइट है, वो आपका मिलना जरूरी है, किसी का कोई एहसान नहीं है. इफ यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द आयुष्मान कार्ड, दैट इज योर राइट. Being a citizen, you have the right of that card. बेटा हम ट्रेनिंग पे गए थे, एक पंचायत है पंजाब में, उसको वर्ल्ड सतह पर इनाम मिला है उस सरपंच को, उन्होंने चिड़ियों के लिए गोश्त तक अपनी पंचायत में बनाए. तो ये हमारी पीएम किसान की एक स्कीम है
और उसके पास जो है उस राशन कार्ड वगैरह भी होना चाहिए और हमारे किसी भी नजदीकी जोन के पास आ सकता है वो, अगर वो एनरोल नहीं है। वैसे हमने ऑलमोस्ट जो है 100% एनरोलमेंट पीएम किसान में की हुई है हमारी तरफ से, और जितने भी फार्मर रिहाना इकबाल अब आएगी सर सामने, मोहम्मद असलम मलिक ये भी आगे आएगी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, रोहाना गनी शत घरों में था आज करीब करीब, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को। मोदी जी ने जो भी स्कीमें दी है हर डिपार्टमेंट में, वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, पीएचई हो, जो भी स्कीमें, जो भी डिपार्टमेंट हो, अच्छी स्कीमें सारी है। इस टाइम सारे काम कर रहे हैं अच्छे से और हम मोदी जी के फ्रॉम क्लास 12 मेडिकल, आई एम हाईली थैंकफुल टू यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो हर साल ये एक्टिविटीज़ कराते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर डिविजनल लेवल पे, जैसे कि नेशनल स्कूल गेमिंग कराते हैं, YSS कप कराते हैं और खेलो इंडिया, नेशनल नशा मुक्त भारत कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये कराते हैं हर साल। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि हम रिसेंटली ये सांबा डिविजनल लेवल से ये बैडमिंटन खेल के आए, हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि हमें ये भी पता चला कि स्पोर्ट्स की वजह, खेलों की वजह से हम बहुत आगे जा सकते हैं। खेल कूद से इंसान फिजिकली और मेंटली भी फिट रह सकता है। और मैं अपने प्रिंसिपल सर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से हम हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकते, और स्पोर्ट्स टीचर जो ये हमारे माही मैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलवीरा अशरफ मीर, गोंडादरकोट, हमारी पंचायत गोंडादरकोट है। हमने लास्ट ईयर जो है हैंडीक्राफ्ट का वर्क किया था, सीखा था, तो उसमें हमने बहुत सारे फायदे आए हैं कि हम अपना रोज़गार खुद चला रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा हम अपना। अहमद अशरफ है, मैं गोंडादरकोट पंचायत से बिलोंग करता हूँ। ये हर डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, ये एग्रीकल्चर से भी हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर से हैं, बाकी ब्लॉक से हैं और एनिमल हस्बेंड्री से हैं, और ये ज़मींदारों का जो जो केसीसी है उसके बारे में, हर बारे में ये यहाँ पर गोरखोज हो रहा है हर मसले का। ये 12 बजे से शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल से 4 बजे तक ये कैंप रहेगा। ये लोग वही सिखा रहे हैं कि कुछ लोगों को जो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से केसीसी लोन रखा है गायों के ऊपर, तो उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। जो 2000 रुपया मोदी ने ये रखा है कि पीएम किसान का जो, उसके बारे में भी बताते हैं। वो साल का 6000 मिलता है, लोगों की डिमांड है कि इसको बढ़ा के 12000 किया जाए ताकि लोगों को खाद के लिए, बीज के लिए जो मुश्किलात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके। इस वक्त गोंडादरकोट में भी एक दो जगह पर वो काम चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो पहाड़ी पर लोग।